जो कि आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये है कांसोले गांव पे बसी हुई एक पहाड़ी। और जो ये चर्च है, यही है मोस्ट ऑफ द हॉन्टेड चर्च ऑफ गोवा। और जो सामने आप क्राउन देख पा रहे हैं, यही है थ्री किंग्स चैपल्स क्राउन। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं गोवा सिटी से बहुत ज़्यादा दूर। तो आज हम आए हैं फाइनली थ्री किंग्स चैपल में। तो ये कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड चर्च माना जाता है, जैसा कि हमने अपने रिव्यूज़ एंड गूगल सर्च में पाया। तो इसी की तहकीकात करने या इसके जो भी मिथ्स हैं उसको देखने की, कितना सच है कितना झूठ इस रिलेटेड आए हैं, तो देखते हैं आगे पता चलेगा। तो आप लोगों को बता दूं, बेसिकली इस चर्च का आने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, जो मेन पर्पज है, वो यही है कि हमने इसके बारे में इतना कुछ सुन रखा है, तो फिर हमने प्लान किया कि भाई इस चर्च में तो जाने जाना है। तो जो इसके पीछे की हिस्ट्री है, या आप बोल सकते हैं जो हॉन्टेड स्टोरीज हैं, वो काफ़ी टाइप्स की हैं। उनमें से एक ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब वास्को डी गामा गोवा आया था फर्स्ट टाइम, तो इसी चर्च में आया था वो, तो इसीलिए वो उस टाइम किंग्स टाइप का ही था। इसलिए इसमें बेसिकली तीन राजाओं का कुछ ना कुछ एडिशन है, तो इसको बोला गया है थ्री किंग्स चैपल। और ऐसा ही बोला गया है कि ये चर्च ना बदनाम भी है, राजाओं की मृत्यु के पीछे का जो हाथ रहा है इसी चर्च का रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारी मिथ हैं, उनमें से एक ये है कि 6 बजे के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे, आओ तो अपने पर्सनल व्हीकल से आओ, और जो भी यहाँ पे 6 के बाद रुकता है उसको अपनी जान से ऐसा कुछ, मतलब डेंजरस है यहाँ पे 6 के बाद रुकना। और जो हमारे आने की टाइमिंग है वो बता दूँ, अभी बज रहा है 6:45, हाँ शाम के 6:45 हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये गोवा का जो नॉर्थ पार्ट है उसके टॉप हिल पे ही है एक तरह से। तो जैसा कि ये दोनों लोग जो अभी आम तोड़ रहे हैं, वो बेसिक परमानेंट यहीं पे ही रहते हैं, यहीं इसकी देखरेख में लगे रहते हैं। तो अभी चलिए इनसे क्वेश्चन क्वी एंड करते हैं, पूछते हैं क्या इसके पीछे का सीक्रेट है क्या नहीं है। हेलो भैया, यहाँ पे नाइट में आता है कोई? यहाँ पे नाइट में हाँ नहीं। अच्छा, पुलिस आती है। तो जैसे टाइमिंग तो इसकी 6-7 बजे था ना, 7 बजे के बाद बस 7 बजे के बाद बंद है, पुलिस राउंड मारता है इधर ऊपर। अच्छा, 7 बजे जाते रहे लोग। तो इसके पीछे क्या कोई वो हिस्ट्री वगैरह है कुछ? इसकी हिस्ट्री वगैरह कुछ क्या है, कैसा है? तो इसका थ्री किंग्स नाम क्यों था? थ्री किंग्स क्यों है? थ्री किंग्स है। तो इसके पीछे कुछ क्या स्टोरी क्या है इसकी, कुछ बताओगे? इसका चर्च का वो एक ही दिन 6 तारीख को उसका फिस्ट आता है ना, 6 तारीख को हर महीने की? हाँ, एक साल में 6 तारीख को। 6 तारीख को तो क्या होता है उस दिन? वो गड़ा है ना। अच्छा, ये गड़ा है यहाँ पे? हाँ, चर्च में मतलब उसका वो है कब्र है। तीन गड़ा ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये है वो मेन स्पॉट। अच्छा, इस साइड है वो, ये साइड आया, ये रोड साइड का रोड जाएगा। अच्छा, समझा नहीं अभी कैसे। इधर वो जो कब्र है वो कहाँ पे है? अभी वो रोड में आता है ना। अच्छा अच्छा, वो रोड से। हाँ, तो स्ट्रेट आता है, ऊपर आता है। हाँ, उधर साइड में, उधर। अच्छा, वो आता है अभी भी, ऊपर छोटा बच्चा है। अच्छा, के लाएगा इधर। मतलब वो जो किंग है, जो भी है, वो आता है बच्चे के साथ अभी भी, ये बोल रहे हो आप? अच्छा, तीन लोग है वो? तीन बच्चे है वो किंग? किंग किंग है क्या? अच्छा, तीन किंग है तब है, मतलब रियल है जो भी सुना है? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी जो सुना था वो सच है? तो बाद में एक साइड है, नीचे सीधा जाता है, बाद में यहाँ से सीधा जाता है। अच्छा, इस रास्ते से सीधा जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू भाई। बेसिकली जो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिली, वो यहाँ के लोकल्स ने बताया, जो कि यहाँ परमानेंट चर्च में रहते हैं, वो बोलते हैं कि नाइट में ये पूरा सर्किल, आपको दिखाता हूँ, ये सर्किल पूरा, ये चर्च के पीछे पीछे जितना भी स्पेस है ना, यहाँ से होके बोलते हैं कि फर्स्ट तो उन्होंने ये बताया कि नाइट में यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, पुलिस आ जाती है 8-9 बजने के बाद, 8-9 बजे के पहले ही आ जाती है ऐसा बोलते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस ट्रैकिंग में क्या होता है,
यहाँ पे इस फर्स्ट तो ये चेक करते हैं, ये पूरा एरिया लॉक है नहीं है, और ये पूरा देख पा रहे होगे ना इसी वे में आते हैं वो राजा, ऐसा बोला जाता है। तो अभी ये यहाँ पर लोकल के जो लोग थे, जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में, तो ये बोल रहे हैं कि पूरा सर्किल क्रॉस करके ये पूरा यहाँ पे फिर यहाँ बैठता है, फिर वो पूरा यहाँ पे देखता है। उसके साथ बच्चे भी रहते हैं, तीन राजा रहते हैं या एक राजा रहता है उसके साथ बच्चे रहते हैं, ऐसा कुछ बताया। तो भाई ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, यहाँ के लोगों ने जो ऐसा बताया। तो ये है उसका जो थ्री किंग चैपल है, जो इसका मेन चर्च है, इसका ये मेन बिल्डिंग ये है, आप देख सकते हो। एंड ये इसका जस्ट फ्रंट में, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म टाइप का है, आप यहाँ पे लोग बैठते हैं, जो भी समझ सकते हो। ये जो है हिल के टॉप एरिया में आता है, ये पूरा टॉप में है हिल के, और ये चारों तरफ से आप देख पा रहे हो रेलिंग से कवर्ड है। एक एंट्रेंस का रास्ता यहाँ से भी है, एक यहाँ से भी है, और ये पूरा सर्किल पूरा एनक्लोज्ड है, मतलब और दूसरा रास्ता नहीं आने के लिए। और ये गेट तो क्लोज ही है, पता नहीं ओपन का तो कोई टाइम मुझे पता नहीं है, ना मैंने कभी देखा इसको ओपन। गूगल्स पे भी जो भी वीडियोस थे, फोटोज़ थे, उसमें भी क्लोज ही था ये ऑलमोस्ट। चर्च का मेन बिल्डिंग है उससे बाहर, तो अभी देख पा रहे हो कि सामने एक रूम है, इस पे भी ताला लगा है, आई थिंक ओपन है, तो इससे ये भी लगता है कि कोई ना कोई तो है अंदर, अदरवाइज बाहर से लॉक होता, क्योंकि कुंडी भी ओपन है। और इसका जो बैक साइड से है, जो सामने वाइट कलर का गेट दिख रहा था, तो साइड से कुछ इस तरह का ये आर्किटेक्चर है। तो ये आई थिंक यहाँ से गेट है नहीं है, इतना तो मुझे आईडिया नहीं है, अभी देख के पता चलेगा। एक तो ये बैक साइड से है एंट्रेंस, तो या ये कुछ एंट्रेंस नहीं है, ये एक बस विंडो का विंडशील्ड एक तरह का। भाई काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स हैं, तो अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो जैसा कि हमें लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज भूत प्रेत ये सब का खतरा हो ना हो। पुलिस तो आई थिंक पेट्रोलिंग के लिए आती आती है, बिकॉज हमें रास्ते ही मिली थी, तो हमें फिर यहाँ से लीव करना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये एक तरह का कैंडल स्टैंड टाइप का बना रखा है, जो कि चर्च के बिल्कुल बाहर ही है, होली क्रॉस जो भी बोल सकते हैं, ये चर्च से बहुत दूर है, तो पता नहीं क्या इसका रीज़न है। यहाँ पर लोग मोस्टली कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन एक ये है कि टूरिस्ट तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसे देख पा रहे हो ये भी रहे, ये भी हैं, और जो लोकल लाइट्स बता रहे हैं वो स्टोरी कुछ और ही है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ, गूगल मैप से सर्च करो, रिसर्च करो इसके बारे में, और कमेंट करके बताओ कि क्या पार्ट्स इसका सही है, इसके पीछे हिस्ट्री जो है वो सही है नहीं है, गलत है जो भी है वो बताओ।